सिर पर देकर आदरणीय मोदी जी को सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अनुराग जी, देश के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधान सेवक परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश की इस तपोभूमि बिलासपुर में
मंडी मनाली ले रेलवे का काम आपने शुरू करवा दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के आपने 2800 करोड़ रुपया मंजूर किया और उसका फाइनल लोकेशन सर्वे भी करना शुरू हो गया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मोदी जी ने हमें दिल खोल कर दिया है, कमी कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार में रह गई जो जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाई, नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईएम जैसे संस्थान भी कब के खुल गए होते। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने दिल खोल कर विकास के लिए योजनाएं भी दी है, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं अगर हिमाचल प्रदेश के लिए 70 साल में कोई दे पाया है तो कोई और नहीं, मेरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और आप जब देश से बाहर निकले, इसराइल में जाकर भी आप हिमाचल को नहीं भूले, यही हिमाचल की टोपी आपने हिमाचल वहां पे इसराइल में पहनकर दुनिया भर में हिमाचल को वो सम्मान दिया है, उसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे, सदा आपके आभारी रहेंगे। मैं अंत में नहीं कहता हुआ कि देकर सौगातों का आभार कर दिया हिमाचल का उद्धार, कर दिया हिमाचल का उद्धार, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद जी। मैं भी अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि एम्स संस्थान जो है वो हमारे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है, इसके लिए वहां की जनता की ओर से विशेष रूप से इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब आग्रह करता हूं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से, जो हमारे बिलासपुर जिला के धरती पुत्र है, हमारे यहाँ से विधायक रहे, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, वन मंत्री रहे, केंद्रीय स्तर पर पार्टी संगठन के लिए अपनी सेवा दी, राज्यसभा के सांसद बने और अब स्वास्थ्य मंत्री बनकर देश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। एम्स संस्थान लाने में इन्होंने सराहनीय प्रयास किए हैं, इनका इनसे आग्रह आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, आदरणीय जनता का श्रद्धा दें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व की शख्सियत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे विपक्ष के नेता और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शांता कुमार जी, हमारे झारखंड अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, श्री वीरेंद्र जी, सतपाल सिंह जी, हमारे सहाय जी, हमारे सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, मेरे छोटे भाई और यहां के लोकप्रिय सांसद ठाकुर जी, रामस्वरूप जी, रघुवीर शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष राकेश गौतम जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी भाई बहन माताएं बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हिमाचल प्रदेश जनता की ओर से और आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस व्यास ऋषि की धरती पर आगमन पर मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह दृश्य और यह कार्यक्रम, यह सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम, यह यहां के लोगों के लिए एक सपना नहीं था, जो सपना साकार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन एक ऐतिहासिक घड़ी है और इस ऐतिहासिक घड़ी को मैं जब शब्दों में बयान कर रहा हूं तो मस्त कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि यहां से बात का दबाव है। यहां जब भी कोई प्रधानमंत्री आए हैं तो बिलासपुर की धरती पर हमेशा कुछ मांगने आए, देने नहीं आए। चाहे वो इलेक्शन में वोट मांगने आए हो, चाहे वो पार्टी का प्रचार करने आए, लेकिन देने के लिए जब आप प्रधानमंत्री थे और उसमें धूमल जी मुख्यमंत्री थे, धूमल जी ने उस समय के पावर मिनिस्टर कुमार मंगलम से बात की थी, आपने उस समय के प्रधानमंत्री अटल जी से बात की थी, तो पहली बार जो 20 साल से लटका हुआ कोयला डैम था उसका शिलान्यास आपने अटल जी से कराया था। यहां पर अब आगे और उसके बाद उसका श्री गणेश आपने मंदिर की धरती पर पिछले साल किया और आज आजाद भारत में और जब से यह प्रदेश बना है इस लूहनू मैदान में पहली बार प्रधानमंत्री आए हैं तो सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश को स्वागत और इंडिया को मेडिकल साइंस देने के लिए आए हैं। यह भाखड़ा उसकी एक दर्दनाक हानि रही। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री विकास के मंदिर भाखड़ा उसकी तक तो आते थे, भाखड़ा डैम तक तो आते थे, लेकिन उसके बाद इस कहानी की गोविंद सागर की इधर की कहानी के बारे में और त्रासदी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। 15 साल में विधायक रहा, मैंने विधानसभा में बार बार उठाया, 10 साल लोकसभा में आदरणीय धूमल जी ने सिस्टम को उठाया, लेकिन कभी सुनी नहीं गई। यह आज पहला मौका है जब हम कह सकते हैं कि हाउस की उजड़ी हुई कहानी को बसाने के लिए आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी आए हैं। इस बात को गौरव कह सकते हैं और सबसे बड़ी सौगात यहां उन्होंने हम सबको दी है। यह मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के दुर्गम एरिया दुर्गम एरिया के इलाके के लोगों को स्वास्थ्य की चिंता करेगा, पड़ोसी राज्यों की चिंता करेगा, उत्तर भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान बनकर आएगा, लगभग 1351 करोड़ रुपए इसमें 3-4 साल के अंदर खर्च होंगे, 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगी, 15 से 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे और 100 विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष पढ़ने की व्यवस्था होगी। इस तरीके का यह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनने वाला है। मोदी जी, यहां की जनता, हिमाचल की जनता सदा सदा आपकी आभारी रहेगी और इतिहास के पन्नों पर यह स्पष्ट शब्दों में लिखेगी कि जिस उजड़े हुए शहर, जिस उजड़े हुए इलाके जहां 300 गांव में डूब गए थे उसको बसाने के काम में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान किया तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाईवे इंजीनियरिंग कॉलेज की घटना, आदरणीय धूमल जी ने हाईवे इंजीनियरिंग कॉलेज किया था, आपकी सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ रही, इसका कोई काम नहीं हुआ। जब आप भारत के प्रधानमंत्री बने तो आपके और पीयूष गोयल जी के प्रयास से यह अभियान लटका हुआ काम पूरा हुआ और आपने अप्रैल महीने आकर शिमला में इसका शिलान्यास किया। इस कार्य की गतिविधि के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यहां विकास के जो जो पत्थर लगे हैं वो सारे पत्थर सब लगे हैं जब भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में रहा या हिमाचल प्रदेश में रहा, चाहे एसीसी की फैक्ट्री हो, शांता जी मुख्यमंत्री थे, जेपी फैक्ट्री लगेगी धूमल जी मुख्यमंत्री, विकास का हर पत्थर भारतीय जनता पार्टी के दौरान हुआ है। आज 3 साल के अंदर आपने 69 नेशनल हाईवे दे दिए,
प्रदेश सरकार अभी तक डीपीआर बनाने में नाकाम है। अब समय आ चुका है जो डीपीआर न बना सके ऐसी सरकार को घर बैठाने की जरूरत है और उन लोगों को बनाने की जरूरत है जो काम करके विकास कर सके और मोदी जी की गाड़ी को तेजी से गति से चलाते हुए हिमाचल प्रदेश को आगे। आपने 3 साल के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज दिए, 30 साल के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज और 1 साल के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, 2 कैंसर के सेंटर, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर। हिमाचल प्रदेश जो उपेक्षित था वो प्रधानमंत्री जी आपके दिल्ली के जगदीप पर आगमन पर यह मुख्य कारण शामिल हो गया है। इस बात के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और अगर प्रधानमंत्री जी ने इस छोटे से हिमाचल को 7 लाख की जनसंख्या के हिमाचल को अगर एक जैसी संस्थान दिया है, अगर 69 नेशनल हाईवे दिए हैं, तो अब यह समय हमारा है और हिमाचल की जनता की बारी है कि हम मोदी जी के हारी होकर समय आने पर पूरा का पूरा हिसाब पूरा मूल और ब्याज के साथ चुकता करेंगे। आने वाले समय इस बात की हम चिंता करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब किसी दृष्टि को लेकर के चलेंगे। आपके और मोदी जी के बीच में ज्यादा समय न रहता होगा। पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल की समस्त जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद नंदा जी। अब मैं आग्रह करूंगा अंतोदय के नाम से देश में पहचान बनाने वाले और हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाने वाले आग्रह श्री शांता महाराज जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आग्रह श्री शांता महाराज जी अपने सबसे पहले भाषण में ये कहकर ये सरकार भारत के गरीबों को समर्पित होगी और दूसरी बड़ी बात हम भारत में शहीदों के सपनों का भारत बनाने की कोशिश करेंगे। ये दो बातें कहकर भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन पर विराजमान, केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री थावरचंद जी गहलोत, श्री वीरेंद्र चौधरी जी, श्री सत्यपाल सिंह जी, श्री विष्णुदेव साई जी, श्री सत्यपाल सिंह जी, श्री प्रेम कुमारी धूमल, आदरणीय मंगल पांडे जी, श्री सत्यपाल सिंह जी, श्री प्रेम कुमारी धूमल, आदरणीय मंगल पांडे जी, मेरे सांसद मित्र श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री वीरेंद्र कश्यप, श्री रामस्वरूप जी, श्री रणधीर शर्मा जी, श्री राकेश गौतम जी और मेरे सामने पूरे हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाले बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को क्या नहीं दिया, जो हमने सोचा भी नहीं था वो भी दिया। हम उसका आभार प्रकट करने के लिए आए हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस आभार से पहले मैं एक और बात के लिए आपके धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन के 83 वर्ष पूरे किए और 84वें वर्ष में मैंने प्रवेश किया है। जन्मदिन की संध्या रात के समय बैठे बैठे पीछे के सफर की तरफ सोच रहा था, कुछ पुरानी फाइलें निकाली
एकदम फटे पुराने कागज हिसार जेल के 1953 कश्मीर आंदोलन 19 वर्ष की मेरी आयु सत्याग्रह करके हिसार की जेल में था। कुछ टूटे फूटे शब्द लिखे थे उस समय के 64 वर्ष पहले के। गुरदासपुर जेल से 18-19 साल के हम 19 कार्यकर्ताओं को अलग ही साल जेल भेजा गया था। हम एक ही बैरक में रहते थे। कोई कॉलेज छोड़कर कोई स्कूल छोड़कर मुझे बहन की शादी घर में करनी थी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। नई नई नौकरी लगी थी 17 दिन की नौकरी छोड़कर। लेकिन क्या जुनून था, क्या देशभक्ति की भावना थी। लिखा था भारत माता मुकुट, केसर की क्यारी कश्मीर, षड्यंत्र हो रहा है, भारत से अलग करने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो गया, हम भी बलिदान देंगे। और आगे टूटे फूटे शब्दों में लिखा था काश कभी भारत में हमारी सरकार आए और हम चल के हर गांव में पीने का पानी दें। तब भी पीने के पानी की मुझे याद थी। मैंने अपनी माँ को सिर पर घड़ा उठाए कुछ मील दूर से पानी लाते हुए देखा था। लिखा था कोई गरीब ना हो, काश हमारी सरकार आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय के मेरे सभी साथी बारी बारी चले गए। मैं अपने जन्मदिन के दिन बैठे बैठे सोचता रहा, मुझे याद आया आज आप आ रहे हैं। मैं उस समय के उस पीढ़ी के अपने सभी साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आप उस समय के उन सब लोगों की भावनाओं को सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितना आभार प्रकट करें छोटे से हिमाचल को। एम जैसी इतनी बड़ी संस्था, मैं बधाई देता हूं जगत प्रकाश नड्डा जी को, हिमाचल को, और धन्यवाद करता हूं आपको। आदरणीय मोदी जी, 1962 का चीन का आक्रमण, मैं संघ का प्रचारक था। हम घरों में गए थे, सबसे अधिक शहीद हिमाचल प्रदेश के हुए थे। मैं इतना आहत हुआ था, एक 16 वर्ष की मेहंदी लगे हाथों वाली विधवा को देखकर एक वर्ष पूरा इस विषय पर मैंने पढ़ा। और फिर हिमालय पर लाल छाया नाम से उस समय हिंदी की सबसे पहली पुस्तक 50 साल पहले मेरी आई थी। और मैंने उस पुस्तक में लिखा था चीन के इरादे कभी भी ठीक नहीं होंगे, भारत को पूरी तैयारी करनी चाहिए। 50 वर्ष बीत गए, अंग्रेज की बनाई रेलवे लाइन जोगिंदर नगर से आगे एक इंच नहीं बढ़ी। लेकिन आप आए तो अब भानुपल्ली से पठानकोट से लेह लद्दाख तक रेलवे लाइन का प्रावधान हो गया, सर्वे हो रहा है, काम हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और भी बहुत से काम, 60 नेशनल हाईवे कहां तक गिनाएं, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। लेकिन भाई और बहनों, केवल ये रैली करके हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट नहीं कर सकते। हमने आभार प्रकट करने की कोशिश की है आज। असली आभार तो तब होगा जब आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी शिमला में आएंगे, तब हम आभार प्रकट करेंगे। लेकिन मेरे अंदर का लेखक कह रहा है आभार तब भी पूरा नहीं होगा। आपने एक नया इतिहास बनाने की कोशिश की है, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, एक नया भारत बनाने के लिए और शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए। 1857 से लेकर 1947, 90 साल
लगभग 7 लाख शहीदों ने बलिदान दिए। भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को चूमते समय एक ही आशा प्रकट की थी, आजाद हो भारत, खुशहाल हो भारत। नहीं हुआ। उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने का आपने संकल्प लिया है। बहनों भाइयों, असली आभार तब होगा जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी। हम श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर काम करेंगे और उन्होंने जो नया भारत बनाने का, शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प किया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जब हिमाचल प्रदेश हिमाचल की भाजपा सरकार के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके चलेगा, तब असली आभार होगा। मैं आदरणीय मोदी जी, आपको हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है उसको, संकल्प को पूरा करने के लिए हिमाचल के लोग, हिमाचल के कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर आगे आएंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपका पूरा पूरा योगदान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शांता जी। अब मैं आग्रह करूंगा हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य और शिक्षा का हब बनाने वाले और हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने वाले मुख्यमंत्री रहे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री धूमल जी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, परम श्रद्धे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्रीगण, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, सभी सम्मानीय सांसदगण, चुनावों के लिए हमारे प्रभारी श्री थावरचंद गहलोत जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज की इस आभार रैली में ये विशेष संगम आज नजर आ रहा है। ऋषि व्यास की धरती बिलासपुर पर हम वहां बैठे हैं जहां सामने भाखड़ा बांध की झील का पानी नजर आ रहा है। ऋषि व्यास के टाइम इतिहास रचा गया और जब भाखड़ा डैम का उद्घाटन हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू ने कहा था, ये आधुनिक भारत का आधुनिक मंदिर है। मोदी जी उस मंदिर को बनाने वाले बिलासपुर के मेरे बहन भाई, जिन्होंने अपनी छाती पर अपनी सबसे बढ़िया जमीन देकर इस डैम का निर्माण करवाया था, उनकी शुद्ध तो नहीं ली गई लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के रेगिस्तान लहला गए, वहाँ बिजली पहुँच गई, दिल्ली की बिजली, चंडीगढ़ की बिजली, ये सभी भाखड़ा डैम के बांध से मिली है। हमें आशा है आपने जो काम प्रारंभ किया है, 27 अप्रैल को शिमला से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास करके और आज स्वयं यहाँ पधारकर
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देके जो उपकार किया इसके लिए आज ये आभार रैली आपका आभार व्यक्त करने के लिए आई है। मैं चाहूँगा हर हिमाचली जो सम्मानित इससे हुआ लाभान्वित होगा और जिसके दो हाथ एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। बिलासपुर जिले को ये सम्मान प्राप्त है कि स्वतंत्रता के पहले भी जो वीरता के लिए सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता था विक्टोरिया क्रॉस, वो द्वितीय विश्व युद्ध में कैप्टन भंडारी राम जी को मिला था जो इसी जिला के निवासी थे, और कारगिल के युद्ध में जिसमें आप युद्ध के दौरान स्वयं मोर्चे पे गए थे, जो चार परमवीर चक्कर मिले थे उनमें से दो परमवीर चक्कर हिमाचल को मिले, एक कैप्टन विक्रम बत्रा को और दूसरा इसी जिले के संजय कुमार को मिला था, उसके लिए भी आपको बिलासपुर वासियों बधाई देता हूँ। ये बे ऋषि व्यास की देवभूमि और वीरों की भूमि आज भी नर्सरी बनी हुई है। संजय कुमार जी अब भी भारतीय सेना में देश की रक्षा कर रहे हैं। एम्स, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, दो स्मार्ट सिटी, दो अमृत सिटीज, रेलवे लाइंस का जिक्र आ गया है। आपने जो हिमाचल को दिया है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस ने हमसे छीना था, कांग्रेस सरकार ने, वो था स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा, जिसमें 90-10 की रेशों में हमें अनुदान मिलता था। हम आपके आभारी हैं, आपने कमेटी श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बनाई और उसकी रिकमेंडेशन आते ही बिना किसी प्रचार के, बिना किसी दिखावे के हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस वापस दिया। आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद, इससे हजारों करोड़ रुपए का लाभ प्रदेश को होगा। सेंट्रल टैक्सेस में आपने हमारा शेयर 32% से बढ़ाकर 42% किया। 13वां वित्त आयोग कांग्रेस सरकार के टाइम में बना, रिपोर्ट आई और हमें देश में सबसे कम केवल 50% इंक्रीज मिली थी, वृद्धि हुई थी हमारे 12वें वित्त आयोग पर। आपकी सरकार में 14वां वित्त आयोग बना और 14वें वित्त आयोग में हमें देश में सबसे ज़्यादा 234% की वृद्धि दी गई, तो आपके हिमाचल प्यार का परिणाम है। हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब आप हमारे प्रभारी थे उसमें इंडस्ट्रियल पैकेज स्पेशल कंसेशंस का हमें दिया था, वो कांग्रेस सरकार ने छीन लिया। 2013 तक था, 2010 में छीन लिया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने फिर से टैक्स कंसेशन 10 साल के लिए उद्योग के लिए बढ़ाई, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने उड़ान योजना सारे देश के लिए प्रारंभ करनी थी, आप कहीं से भी कर सकते थे। आप शिमला आए, उड़े देश का आम नागरिक, ये योजना लॉन्च करने के लिए भी चुना तो देवभूमि हिमाचल को चुना,
हिमाचल के लोग आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। जब जब आपके चरण पड़ते हैं तब तक हिमाचल की जनता आपके दर्शन करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में उमड़ती है। आज जहाँ तक नज़र जा रही है, घरों की जो छतें हैं वो भी भरी पड़ी हैं, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ लोग आपको सुनने के लिए नहीं आए हैं। शिमला में आप आए तो ऐतिहासिक रैली हुई, 27 अप्रैल को आप आए थे, 16 जून को शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ। मोदी जी, आप जानते हैं 31 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बना सकी। हम आपके आभारी हैं, आपके चरण पड़े, 16 जून को चुनाव हुआ और हमने मेयर का पद भी जीता और डिप्टी मेयर का पद भी जीतकर शिमला में एक नया इतिहास रचा है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके प्रेरणादायक संबोधन को सुनने के बाद कार्यकर्ता यहाँ इस प्रेरणा के साथ जाएगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो 50+ का नारा है आपके नेतृत्व में, हम अब उसको 60+ करके देंगे। गर्मी ज़्यादा है, जरा 3 नारे बोलिएगा, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद धूमल जी। अब मैं आग्रह करूंगा माँ भारती के उस महान सपूत से, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, पूरे दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिस नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन राष्ट्रीय विचारधारा के लिए समर्पित किया, इस देश की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए इन्होंने कदम उठाए और देश को विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाने की ओर प्रयास शुरू किए हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब हम सबको संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मंच पर विराजमान यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान धूमल जी, श्रीमान शांता कुमार जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, थावरचंद गहलोत जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सतपाल सिंह जी, यहाँ के सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, यहाँ के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभाएं तो हमने बहुत देखी है लेकिन आज इस मैदान में मैं देख रहा हूं
कि 8 मंजिला सभा है, ऊपर तक मुझे पता नहीं ये दूर दूर छत पे चढ़े हुए लोगों को सुनाई देता होगा कि नहीं सुनाई देता होगा। हिमाचल के साथ मेरा बड़ा विशेष नाता रहा है, हिमाचल ने मुझे भरपूर प्यार दिया। और मैं जानता हूं पहाड़ों से नीचे तराई में कहीं पहुंचना है तो कितने पहले निकलना पड़ता है, कितना पैदल चलना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ये मैं भली भांति समझता हूं। और उसके बावजूद भी दूर दूर पर्वतों की चोटियों से उतर उतर करके आप मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। ये देवभूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है और ये वीर ओजस्वी तेजस्वी सपूतों की धरती है। माता नैना देवी के आशीर्वाद से यहां की आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रज्वलित रहती है। भाइयों बहनों, ये गोविंद सागर मैं देख रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जी की याद दिलाता है, लेकिन ये गोविंद सागर बिलासपुर के लोगों के उस त्याग और तपस्या की कथा भी कहता है कि देश में कृषि क्रांति लाने के सपने को लेकर के बिलासपुर ने जो त्याग किया उसी के कारण भाखड़ा डैम बना, नंगला डैम बना, भाखड़ा नंगला डैम, और उसी त्याग का परिणाम है कि पंजाब हो हरियाणा हो वो हरा भरा बना, लेकिन उसके मूल में ये बिलासपुर और इस इलाके के लोगों की त्याग की गाथा उसमें समाई हुई है। अरे गोविंद सागर यहां के नागरिकों ने देश के विकास के लिए जो त्याग किया, देश के लोगों को अन्न मिले, हमारी खेती फले फूले, इसके लिए जो त्याग किया उसी के कारण देश समय रहते अन्न के भंडार हमारे किसानों ने भर दिए। और इसलिए देश में जब जब कृषि विकास की बात आती है तो बिलासपुर के त्याग की बात सदा सर्वदा गोल्डन पृष्ठ की तरह लिखी जाती है। भाइयों बहनों, और ये बिलासपुर, ये हिमाचल हिंदुस्तान का कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश के तिरंगे झंडे को आन बान शान बचाने के लिए कोई ऐसा काल नहीं होगा
कि मेरे हिमाचली वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान न दिया, मां भारती के लिए बलिदान न दिया हो, ऐसा इस धरती में कभी सुनने को नहीं मिला। तीन तीन चार चार पीढ़ी अपनी जवानी देश की रक्षा में सीमाओं पर खपा दी है, ऐसे तो अनगिनत परिवार ये हमारी हिमाचल की गोद में पलते हैं। और इसलिए त्याग तपस्या बलिदान अध्यात्म हर विषय में हिमाचल ने अपनी एक शान बनाई है, अपनी आन बनाई है। और अगर ऐसे ही हिमाचल के लिए कुछ करने का मौका मिले तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। आज यहां एक ही कार्यक्रम में कितने सारे प्रकल्प, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के काम, कुछ शिलान्यास, कुछ लोकार्पण। हिमाचल में एम्स का बनना ये सिर्फ हिमाचल के लाभ में है ऐसा नहीं है, हिमाचल का तो लाभ है ही है, लेकिन हिमाचल ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। देश के कोने कोने से यात्री यहां आते हैं और अक्सर यहां की पहाड़ियों में किसी न किसी अकस्मात के कारण बस की बस नीचे खाई में चले जाना, दूर दूर से लोग आते हैं। अगर उनको ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिल जाए, एम्स जैसी व्यवस्था मिल जाए, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए हुए यात्री को भी ये हिमाचल की धरती उसको ठीक ठाक करके, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना करके अब एम्स आने के बाद उसके घर लौटाएगी। और जब हिंदुस्तान से आने वाले को पता चलेगा कि हिमाचल में मेरी इतनी देखभाल होती है, तो यहां टूरिस्ट का भी आना मन करेगा। बहुत साल पहले मुझे पता है, मैं गुजरात में था, हमारी पार्टी के एक ट्रेजरर हुआ करते थे, वे परिवार के साथ हिमाचल आए थे और शिमला के पास अकस्मात हो गया, हर किसी को गंभीर चोट आई, कुछ सीरियस चोट आई, लेकिन चंडीगढ़ अस्पताल तक उनको ले जाना पड़ा और जाते जाते रास्ते में दो लोगों की मृत्यु हो गई। उनका मुझे फोन आया, मैंने यहां हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को फोन किया, मैंने कहा देखिए भाई ये हमारे पार्टी के परिचित लोग हैं, सारे लोग मदद में लग गए, कोई खून देने के लिए, कोई उनकी चिंता करने के लिए। और इसलिए मुझे भली भांति पता है कि हिमाचल में जो यात्री आता है देश के कोने कोने से, उसे जब इस व्यवस्था का पता चलता है तो आने के लिए उसका विश्वास बढ़ जाता है। और इसलिए ये एम्स हिमाचल वासियों के लिए तो एक जीवन संजीवनी लेकर के आया है, लेकिन हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये अस्पताल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। और इसलिए
हिमाचल में अस्पताल बनना मतलब देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का काम है जो आज बिलासपुर की धरती पे हो रहा है। यहां आने से पहले मैं सरकारी कार्यक्रम में था और वहां पर मैंने एम्स का शिलान्यास का कार्यक्रम किया और वहां पर मुझे उसका सारा मॉडल दिखाया गया, मैप दिखाए गए और जो बात मेरे सामने प्रस्तुत की गई 1300 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाला यह अस्पताल न सिर्फ हिमाचल के लिए लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए उसका जो डिजाइन है, दृश्य है, मैं समझता हूं ये स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए एक ऐसी व्यवस्था जो हिमाचली के स्वास्थ्य से जुड़ी है, हम जानते हैं हमारे इस इलाके में सामान्य रूप से हिंदुस्तान में जो पुरुषों के मृत्यु दर है, हिमाचल के पुरुषों की मृत्यु दर ज्यादा है। यहां पर फेफड़े की बीमारी, सांस की बीमारी 30-40 साल की उम्र होते होते बहुत एक लोग इसके शिकार हो जाते हैं और इसलिए हिमाचली लोगों के लिए अगर स्वास्थ्य का सही प्रबंध हो जाता है तो मैं मानता हूं कि हिमाचल के जो हमारे वीर जवान हैं, जो देश के लिए मर मिटते हैं, ऐसे हिमाचली का हर नौजवान राष्ट्र के कल्याण के लिए सामर्थ्यवान बनेगा। यहां की माताओं बहनों को उत्तम से उत्तम आरोग्य की सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेगी। ये ऐसा कैंपस बन रहा है कि जिसमें 3000 से ज्यादा लोग एक साथ वहां काम करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अस्पताल बनने के साथ रोजगार की भी कितनी संभावनाएं बढ़ती हैं। हमारे नड्डा जी आरोग्य मंत्री हैं, भारत सरकार में आरोग्य की सेवाओं को लेकर के अनेक नए नए तौर तरीके ढूंढना, क्योंकि उनको हिमाचल का अनुभव भी रहा है पहले। अभी उन्होंने एक योजना बनाई है इंद्रधनुष, अगर दुनिया के किसी देश में इंद्रधनुष नाम की योजना होती तो उसकी कितनी वाहवाही होती मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन भारत में चीजों को समझते समझते जरा देर लगती है। हमारे देश में इतनी सारी आरोग्य की सेवाएं, बच्चों के लिए टीकाकरण, न जाने कितने अभियान, टीवी पर, रेडियो पर इतनी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों बालक टीकाकरण से वंचित रह जाते, लाखों बालक छूट जाते हैं। और टीकाकरण एक छोटी सी चीज से छूट जाने के कारण 5-10 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते ही किसी न किसी गंभीर बीमारी का वो शिकार हो जाता है। जीवन भर परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाता है। जवान मां बाप को अपने सपने छोड़ करके अपने संतान के पीछे, बेटा हो या बेटी हो, अगर उसको लकवा मार गया, कोई नई बीमारी आ गई, तो अपनी जवानी बेटे के लिए खपा देनी पड़ती है। इन बच्चों को कौन बचाए? हमारे नड्डा जी ने बीड़ा उठाया इंद्रधनुष योजना के द्वारा। इंद्रधनुष योजना के द्वारा टीकाकरण का एक अभियान चलाया उन्होंने और पहले राउंड में जब अभियान चला, जो छूट गए थे
ऐसे बालकों को ढूंढ ढूंढ करके उनका टीकाकरण करवाया। बाद में देखा अभी भी कुछ छूट गए हैं, और ये भी ध्यान में आया कि शहरी क्षेत्र में छूट गए हैं, ये और चिंता का विषय है। तो हमारे नड्डा जी ने फिर से अभियान उठाना तय किया है, और इसी सप्ताह देश भर में फिर से एक बार इंद्रधनुष योजना के माध्यम से जो बच्चे टीकाकरण से छूट गए हैं, उन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार पूरे देश में नड्डा जी के नेतृत्व में अभियान चलाने जा रही है। दिवाली के पहले ऐसे बालकों को खोज खोज करके टीकाकरण करवाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को, मैं सभी एनजीओ को, मैं सभी नागरिकों को, मैं एनसीसी हो, एनएसएस हो, उसके कैडेट्स को, मैं स्कूल कॉलेजेस को, मैं राजनीतिक दलों को, मैं राज्यों की सरकारों को, हर किसी से आग्रह करता हूं कि दिवाली के पहले ये जो इंद्रधनुष फिर एक बार का जो अभियान शुरू हो रहा है, आप भी ऐसे बच्चों को खोजने में मदद कीजिए, टीकाकरण करवाइए, और अगर एक बच्चे का भविष्य में होने वाली बीमारी से आपने बचा लिया, किसी भी नागरिक ने पुण्य का कार्य किया, तो जीवन में इसके बड़ी भलाई का काम क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, आज यहां ट्रिपल आईटी का भी एक शिलान्यास हुआ है, एक नए भवन के लिए ट्रिपल आईटी का काम होना जा रहा है, ये बात सही है। अच्छे परिसर भी समय की मांग होती है, अच्छे परिसर की अपनी एक ताकत होती है। हमने ट्रिपल आईटी का एक ऐसा परिसर बनाने के लिए सोचा है कि जो सच्चे अर्थ में शिक्षा का और संस्कार का धाम बना रहे। कभी कभी लोगों को लगता है कि ट्रिपल आईटी जैसी इंस्टीट्यूट आती है तो एक नई कॉलेज बन जाती है। हिमाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ट्रिपल आईटी का मतलब यह नहीं है कि एक कॉलेज जुड़ गई है। ट्रिपल आईटी का आने का मतलब है हिमाचल में एक नए युग का शिलान्यास हुआ है, आधुनिक हिमाचल का शिलान्यास हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पार करने वाला ऐसे हिमाचल का शिलान्यास हुआ है, एक ऐसी नई पीढ़ी को जन्म देने का यह शिलान्यास हुआ है, जहां से हिमाचल के ऐसे नौजवान निकलेंगे जो देश के भविष्य को बनाने में काम आएंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम आएंगे। और इसलिए ये कोई इमारत नहीं है, ये एक नई कॉलेज नहीं है, एक ऐसी चीज है जो हिमाचल को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए, देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली। आज मुझे एक तीसरा अवसर भी मिला, हमारे शांता कुमार जी के कार्यक्षेत्र में स्टील इंडस्ट्री का लोकार्पण। सरकार कैसे चलती है और सरकार पहले कैसे चलती थी, ये अगर समझना है तो स्टील की इंडस्ट्री को देख लीजिए, समझ जाएगा। सिर्फ 70 करोड़ रुपयों की लागत का कारखाना, लेकिन भारत सरकार के ही दो डिपार्टमेंट अंदर अंदर लड़ते रहे 7 साल तक, ये प्रोजेक्ट लटका रहा 7 साल। 70 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट 7 साल लटकता रहा। क्यों? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ, दूसरा तीसरे के खिलाफ, और कोर्ट कचहरियां चलती थी, क्योंकि दुर्बल सरकार ऐसी थी कि जहां हर डिपार्टमेंट में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था।
एक सरकार में अनेक सरकारें थी और रिमोट से चलने वाली दूसरी सरकार, और इसके कारण ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लटके पड़े थे। मैं इन दिनों भारत सरकार में एक प्रगति नाम का कार्यक्रम करता हूं, हर महीने देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और जो पेंडिंग मामले होते हैं उसको निकालता हूं। ये ऊना के पास रेल 40 साल से अटका पड़ा प्रोजेक्ट मैंने निकाला। मैंने कहा क्यों नहीं, ये बिलासपुर को रेल चाहिए कि नहीं चाहिए? लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट एक डिपार्टमेंट चलाता है, दूसरा दबा करके बैठा हुआ था। ये सारे निकाल निकाल करके क्लियर करवा रहा हूं। भाइयों बहनों, सरकार का काम होता है सभी डिपार्टमेंट को साथ लेकर के उत्तम से उत्तम परिणाम देने का, और आज हमारी सरकार बनने के बाद उस पुरानी सारी समस्याओं को निकालते 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 कुछ महीनों से उसका प्रोडक्शन चालू हो गया, कई नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं बनी। सरिया के कारण यहां के मकान बनाने में, यहां के उद्योगों की इमारतें बनाने के अंदर लोकल सरिया सस्ते में भी मिलेगा, रोजगारी भी मिलेगी, और आज उसका भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं और हिमाचल की जनता को मैं अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन, सेना के निवृत्त अधिकारी आए करके मुझे भी सम्मानित कर रहे, और मैं देख रहा था वो इतने भाव विभोर थे। इस देश का सेना का हर जवान उसी भाव से मैं आशीर्वाद दे रहा है। 40 साल से लटका हुआ मसला, 40 साल कोई पूछने वाला नहीं था। हिमाचल के अंदर मैं चुनाव सभा में आया था, तब मंडी में मैंने घोषणा की थी कि हम वन रैंक वन पेंशन दे के रहेंगे। अब तक 3 किस्त के पैसे दे चुके हैं और निकट भविष्य में 4थी किस्त का भी पैसा चला जाएगा सेना के जवानों के घर में। और ये छोटे छोटे जवान होते हैं, बड़े बड़े बाबुओं का नहीं होता है, उनके घरों में सीधा चेक चला गया। करीब 8,500 करोड़ रुपया उनको वितरित कर दिए गए। मैं जानता हूं इसके कारण सरकार पे बोझ पड़ता है, तकलीफ आती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए मेरे देश का सेना का जवान मेरी प्राथमिकता है। अभी 3 दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह हुई, मैं देश के मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह को, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया, पुनर्स्मरण करवाया, उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है मीडिया के लोगों ने, देश के जवानों के प्रति, देश के नागरिकों के आदर में बढ़ोतरी होती है ऐसा करने से, सेना के प्रति गौरव का भाव जगता है। और यही तो भावना है जिसके लिए 25-30 साल का नौजवान सारे सपने एक तरफ रह करके सीने पर गोलियां झेलने के लिए तैयार हो जाता है। यही तो भावना होती है। ये भावना बरकरार रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल को देश के मीडिया ने जिस प्रकार से प्रकट किया, प्रस्तुत किया, देश के जवानों का भी हौसला बुलंद किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी देश की सेना ने दिखा दिया है हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। और आज देश की सेना, उसका जो मोरल हाई है, शायद कई वर्षों के बाद
देश की सेना में ये रुतबा देखने को मिल रहा है। ये मोरल हाई और यही तो सबसे बड़ी ताकत होती है, उसके मन की स्थिति, उसके संकल्प का सामर्थ्य, उसके त्याग की पराकाष्ठा, यही तो राष्ट्र की संपत्ति होती है। मैं आज जब हिमाचल वीरों की धरती पर आया हूं, तब हर गांव में 550 मेरे फौजी लोग रहते हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं जिन्होंने देश की सेवा की है, जो आज देश की सेवा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इन दिनों हिमाचल में करीब करीब 13 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, परियोजनाएं जिसमें 7 बड़ी सड़क है, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के 7, पेट्रोलियम के 2, पावर के 2, रेलवे का 1, अर्बन डेवलपमेंट का 1, ये 13 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार हिमाचल में 15,000 करोड़ रुपए लगाएगी। 15,000 करोड़ रुपए। ये 15,000 करोड़ रुपए जब हिमाचल में लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट को लागू होने समय कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जो व्यवस्थाएं विकसित होगी, वो नया हिमाचल को बनाने में कितने बड़ा योगदान देगी, ये हम भली भांति जान सकते हैं। भाइयों बहनों, हिमाचल के साथ मेरा नाता पुराना, इसलिए मेरा जरा लगाव रहता है, कुछ ज्यादा करने का मन भी करता है, लेकिन ज्यादा करने का मन करता है उसका एक और कारण भी है इन दिनों, और उसके लिए मैं हिमाचल की माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं और हिमाचल के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। और वो काम है स्वच्छता की दिशा में हिमाचल के नागरिकों ने जो जागरूकता दिखाई है, ये अभिनंदन के पात्र। हिमाचल ने कमाल करके दिखाया। मैं यहां के सरकारी अधिकारियों को, यहां के नागरिकों को स्वच्छता के अभियान में जो हिमाचल ने काम किया है, उसके लिए बधाई देने से अपने आप को रोक नहीं सकता। और जब आप स्वच्छता का काम करोगे, तो मुझे भी तो आपके लिए कुछ करने का मन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इस स्वच्छता के अभियान को जारी रखोगे और तेज बढ़ाओगे, ये स्वच्छता ही है जो टूरिज्म को खींच करके लाने वाली है, और ये टूरिज्म ही है जो आपके परिवार को संपन्न और समृद्ध बनाने वाला है। भाइयों बहनों, आज हिमाचल की स्थिति क्या है? हिमाचल में जमानती सरकार चल रही है। ये जमानती सरकार है तो मुझे कांग्रेस के लोग मिलने आए एक बार, ऐसे ही मेरी बात चली। मैंने कहा, यार ये आपके मुख्यमंत्री, उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मसले में जमानत पे बाहर है, आप सीएम बदलते क्यों नहीं है, बदलते क्यों नहीं है? बोले, कैसे बदले, हमारी पूरी पार्टी जमानती है, कौन बदलेगा? बोले हमारे अध्यक्ष, वो भी नेशनल हेराल्ड कैड के भ्रष्टाचार के मसले पर जमानत पे है, उनके युवराज भी नेशनल हेराल्ड कैड भ्रष्टाचार के अंदर जमानत पे है, अब सब जमानत पे है, पार्टी भी जमानत पे, सरकार भी जमानत पे, भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पे। अब मुझे बताइए, हिमाचल को ये जमानती सरकार को अब जमानत देनी है कि नहीं देनी है, मुक्ति देनी है कि नहीं देनी है?
ये कब तक जमानती सरकार को झेलोगे? भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने इस देश को खोखला कर दिया। हमारा देश गरीब नहीं था, हमारे देश का नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि लूट का माल कुछ लोगों की जेब में जा रहा है तो धीरे धीरे उसने अपना मुंह फेर लिया। भाइयों बहनों, फिर से इस देश में नया युग आया है। हिंदुस्तान के आवाम का एक एक पाई का काम आवाम के लिए होगा, ये संकल्प लेकर के हम सरकार चला रहे हैं। 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए भाइयों बहनों, इस सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। वो दिन याद कीजिए, 2014 के अखबार निकाल लीजिए, दिन रात खबर आती थी, दिन रात एक ही खबर आती थी, कोयले में इतना, 2G में इतना गया, फलाने में इतना गया, दिखने में इतना गया, जल में इतना गया, नभ में इतना गया, जमीन पे इतना गया, यही खबरें आती थी कि नहीं आती थी? वो भी एक वक्त था, आए दिन सवाल पूछा जाता था कितने रुपये गए, और आज ये भी वक्त है कि मोदी जी को ये पूछा जा रहा है कितने आए। यही बदलाव है, और इसलिए भाइयों बहनों, छोटा सा राज्य हिमाचल, आप सिक्किम देख के आइए, मुश्किल से 10 लाख भी आबादी है, और जितनी आबादी है उतने टूरिस्ट सिक्किम में आते हैं, पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया है। भाइयों बहनों, हिमाचल के अंदर वही ताकत पड़ी है, अगर अच्छी सरकार हो, लोगों का साथ हो, सपने अपार हो, जी चाहे वैसा परिणाम मिल सकता है, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। और इसलिए भाइयों बहनों, हिमाचल में विकास की नई ऊंचाइयां, सड़क और बिजली, मैं मानता हूं हिमाचल के भाग्य को बदलने की सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। टूरिज्म के लिए भी अच्छी सड़कें और आवश्यक बिजली ये अगर उपलब्ध कराई जाए तो टूरिस्ट यहां रहने का मन कर जाएगा, वहां करके भागेगा नहीं, और जितना ज्यादा रुकेगा उतना ज्यादा धन खर्चा करेगा, और जितना ज्यादा धन करेगा वो आपके जेब भरता जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है, अभी हमने एक योजना को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, सहज हर घर को बिजली मिले। 1000 दिन का मैंने एक अभियान उठाया हुआ है कि हिंदुस्तान में एक गांव भी ऐसा मैं नहीं रखूंगा जहां बिजली न पहुंचे। 80-90% काम पूरा कर दिया है, बाकी काम भी 1000 दिन के भीतर भीतर पूरा होने वाला है। अब मैंने दूसरा बीड़ा उठाया है, हिंदुस्तान का कोई भी परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहता होगा तो भी उसको बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए। अब पहले बिजली का कनेक्शन लेने जाते थे तो बिजली वाले कहते थे खंभा इतना दूर है, वहां से यहां तक खंभा लाना है तो इतना खर्चा लगेगा, तार का इतना खर्चा लगेगा, कनेक्शन का 30,000, 40,000, 50,000, 20,000 रुपया लगेगा। तो गरीब आदमी सोचता था भाई तेरी बिजली लेने के लिए मुझे 20,000, 25,000 खर्च करना पड़े
तो मैं 20,000-25,000 से कोई अच्छे घर में किराए पर न चला जाऊं। कनेक्शन लेता नहीं था, सरकार उसके घर तक खंभा लगाने के लिए तैयार नहीं थी। ये मैं जानता हूं उसके पीछे अरबों खरबों का खर्चा है, लेकिन ये पैसे किसके लिए है जी? इस देशवासियों के लिए ही तो है। हमने योजना बनाई है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत अभी भी हमारे देश में एक जनरली कहें तो 25 करोड़ परिवार है, पूरे देश में 25 करोड़ परिवार है। उसमें से 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं, ये संख्या कम नहीं है, 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली का लट्टू नहीं है, वो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर है। क्या मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे हिमाचल के प्यारे भाइयों बहनों, मुझे जवाब दीजिए, क्या इन 4 करोड़ परिवार गरीब हो, दूर दराज रहते हो, उनको घर में बिजली कनेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? समय सीमा में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सौभाग्य योजना से उनका सौभाग्य बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत इन 4 करोड़ परिवारों में कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। जो कनेक्शन को उसको 15,000-20,000 रुपया लगता था, वो सरकार बोझ उठाएगी, और कनेक्शन मिलने के बाद उसको प्रीपेड मीटर मिल जाएगा, और जैसे मोबाइल फोन चार्ज कराते हैं वैसे उस मीटर को भी चार्ज करा करके वो अपने घर में बिजली का उपयोग कर पाएगा, वो सुख चैन की जिंदगी जी पाएगा, बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। हिमाचल जो टूरिस्ट प्लेस है, अगर यहां ये सुविधा बनती है तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत काम आती है। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे आपके बीच आने का मौका दिया, और आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए। मैं हिमाचल सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इसके पूर्व सरकार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी समेत सबने आकर के इसकी सराहना की, उसका गौरवगान किया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और मैं फिर एक बार हिमाचल वासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी अभी विजयादशमी का पर्व गया है, हिमाचल का विजयादशमी पूरे देश के लिए आन बान शान है, और कुछ ही दिनों में दीपावली का पर्व आप मनाने वाले हैं। मेरी तरफ से हिमाचल वासियों को आने वाली दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, धन्यवाद जी धन्यवाद, धन्यवाद जी धन्यवाद, मोदी जी को जय श्री राम। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देवभूमि बिलासपुर में पधारने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। करने के बाद मैंने ही उसको अपने बच्चे की तरह पाला। पेड़ों का कटान बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे, तो उसको सही नहीं लगा वो चीज़ें, उसने शिकायत